तुंगनाथ, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर और उतनी ही भव्य चंद्रशिला। इतने अद्भुत नजारे देखने के लिए क्यों हमने रात 2:30 बजे चढ़ना शुरू किया था, आइए जानते हैं इस एपिसोड में। काफ़ी देर से गाड़ी चला रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा थक भी गए थे, तो हमने सोचा था कि फर्स्ट स्टॉप जो हम लोग करेंगे वो होगा रुद्रप्रयाग संगम में, बिकॉज यहाँ पे अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी जो है वो मिलती हैं और बहुत प्यारा एक संगम होता है और बहुत अच्छा लगता है। देर हम यहाँ रुके और उसके बाद बढ़ चले आगे की ओर, क्योंकि आगे का सफर काफी लंबा था। हम दिल्ली से रुद्रप्रयाग संगम पहुंचे थे और रुद्रप्रयाग संगम से हम पहुंचे चोपटा वाया कुंड गोपेश्वर रोड। चोपटा में ही तुंगनाथ चंद्रशिला का ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए बेहतर है कि आप वहीं पहुंचे। हमने प्लान किया था कि हम ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट से 1-2 किलोमीटर के दायरे में ही रूम ढूंढ लेंगे। तो अभी हम लोग बहुत टायर्ड हो गए हैं। कितने घंटे चलाए हम लोग ने गाड़ी? सुबह हम निकले थे 9:30 बजे। अच्छा, और अभी टाइम टोटल 9 घंटे हो गए ना। हम पहुंचे थे यहाँ पे लाइक 7:15 के, 8-9 घंटे हम लोगों ने गाड़ी चलाई है। हम लोगों ने चलाई, मतलब इसने चलाई। दिस बिटिबल चाइल्ड। अभी एक रूम मिला है हमें यहाँ पर, बजट फ्रेंडली, हमारे 1000 रुपये में। एक एक्स्ट्रा बेड दिया है हमारे सामान के लिए। सो ये भाई साहब लग गए हैं कॉपी करने के लिए सारा डेटा। और ये द बेस्ट पार्ट इस जगह का ये है कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, तो नेटवर्क नहीं था हम लोगों ने, हमारे पास कैश भी नहीं था, 1000 रुपये था, हमारा बिल हो रहा था 1400। तो भाई ने बोला रुको आओ, हम लोग 200 मीटर हम लोग उसका कार से गए और थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ी और फिर वहां जाके ऐसा नेटवर्क ढूंढ रहे हैं, और हमने नेटवर्क ढूंढ के गूगल पे किया। कहने के लिए तुंगनाथ मंदिर तक का ट्रैक 3 किलोमीटर का है, पर पहाड़ी रास्ते के हिसाब से ये 6-7 किलोमीटर का महसूस होगा। इसी वजह से हम चोपटा में ही आके रुके ताकि सुबह जल्दी से जल्दी ट्रैक चालू कर सके। बज रहे हैं सुबह के। अच्छा, बेसिकली जो मैं आपको बता रहा था कि चोपटा में ही आप क्यों आके रुकना चाहिए, देखिए दो कारण हैं। एक तो सुबह सुबह अर्ली आपको ट्रैक चालू करना है, तो अगर आप मान लीजिए सारी विलेज अगर आप प्रेफर कर रहे हैं, तो सारी विलेज से आपको सुबह सुबह गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल होगा, और अगर गाड़ी मिल भी जाएगी तो वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी, हो सकता है आपको रूम से डबल पड़ जाए। सो अभी हम लोग ट्रैक चालू करने जाएंगे। क्या टाइम हो रहा है? अराउंड 2:37। तो हमें रास्ता इतना खास मालूम नहीं है, बट विल सी। लेट्स गो।
हाँ बॉडी वार्म अप नहीं हुई है। माइल्ड माउंटेन सिकनेस बहुत कॉमन है और जब आपकी बॉडी तैयार नहीं होती है और आप बहुत तेज़ी से चढ़ाई करना चालू करते हैं तो ये होता है। ऐसे में आप पानी पीजिए और थोड़ा रेस्ट कीजिए और आराम आराम से ग्रेजुअली चढ़ना शुरू कीजिए। आधा कर लिया ना हम लोगों ने जी। सो आई थिंक हम लोग 2 किलोमीटर चल लिए, हाफ वे पार कर लिया हम लोगों ने। पानी और रेस्ट दोनों बहुत ज़रूरी हैं, और हाँ रेस्ट का ही तो टाइम होता है जब आपको रुक के अपनी सराउंडिंग को महसूस करने का मौका मिलता है। पूरे चांद की रोशनी, तारों के बीच, दूर पहाड़ों में बर्फ, अलग ही एक्सपीरियंस था ये। सोचिए ज़रा कि ना कोई भीड़, पूरा खाली रास्ता। शायद इसीलिए ये मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे फेवरेट ट्रैक है। हम पहुंच गए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। टाइम पे तो हम पहुंच गए हैं लकीली, और आई वाज द फर्स्ट वन जिसने दर्शन किए, मंदिर में एंटर किया। तो अभी फ़िलहाल बंद है मंदिर, पंडित जी बोल रहे हैं 1 घंटे में खुलेगा। तो हम चंद्रशिला जाते हैं, फिर वापस आते हुए फिर से दर्शन करेंगे। चंद्रशिला मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर है कहने के लिए, पर जब आप चढ़ने लगेंगे ना तो आपको महसूस होगा कि ये खड़ी चढ़ाई है। टाइम और एफर्ट दोनों एक्स्ट्रा लगेगा, बट इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। यहां से जो सूर्योदय आपको दिखेगा वो होगा एपिक, ब्यूटीफुल। यही नज़ारे देखने के लिए तो लोग रात 2:30 बजे चढ़ते हैं। बादलों के ऊपर जब आप खुद को महसूस करेंगे ना तो सारी मेहनत वर्थ इट लगेगी। नीचे इतने ओले पड़े हैं रात को कि पूरा वाइट वाइट हो गया है, कुछ दिनों में बर्फ भी गिर जाएगी। इतना ठंडा हो गया ना, आई कांट इवन स्पीक। हम लोग एक्चुअली थोड़ा सा डिटूर ले रहे हैं, दैट्स द मेन रास्ता, वहाँ से ऊपर चंद्रशिला के लिए जाने, बट वहाँ इतनी भीड़ है, आई रियली डोंट वांट टू गो। लेट्स गो देयर, लेट्स गो। वो पीक पे जा रहे हैं, वो वाली आती है असली। फाइनली धूप गिरी है, हम लोग थोड़ा धूप सेक रहे हैं कि हाथ पूरा जम गया है। मतलब बहुत ठंडी है, हम लोग थोड़ा सा टाइम लैप्स वगैरह ले रहे थे, अभी थोड़ा सा सोचें थोड़ा धूप सेकेंगे फिर आगे जाएंगे। क्या बोलते सर?
और यही वो जगह है जहाँ हमने अपने केदारनाथ सॉन्ग का म्यूज़िक वीडियो शूट किया था। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अगर आपने नहीं सुना है। वी हैड सो मच फन शूटिंग दैट वीडियो। कंठे यस्य विराजिते हि गरलं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराज राज तनिया जाया भवानी स्थितः नंदीश कंद गणादिनाथ सहित श्री तुंगनाथं प्रभो तुंगम अंचल संस्थितो हि सततम कुरिया सदा मंगलम। तुंग मीन्स होता है ऊंचा। तो ये जो है भारतवर्ष के सबसे ऊंचे शिखर के शिवालय हैं, इसलिए यहाँ का नाम तुंगनाथ है। तो इस हिमालय क्षेत्र में पंच केदार हैं। इन पंच केदारों की उत्पत्ति पांडवों की मोक्ष के लिए उत्पन्न हुए हैं। पृष्ठभाग का दर्शन केदारनाथ में है, मध्यभाग का दर्शन मध्यमेश्वर में है जो रुद्रप्रयाग में है, रुद्रनाथ में जो है आँख और मस्तक के दर्शन हैं, कल्पेश्वर में जटाओं के दर्शन हैं, और यहाँ तुंगनाथ में जो है हृदय और भुजा के दर्शन है। तो ये इस तरह से पंच केदार हैं। और पशुपतिनाथ नेपाल में है, वहाँ पे चतुर्भुजी लिंग है। तो भगवान शिव ने जो पशु का रूप केदारनाथ में किया धारण किया था, इसलिए उनको पशुपतिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे जो है ये चंद्रशिला है, यहाँ पे भगवान राम ने भी तपस्या की है, उन पर भी ब्रह्म हत्या लगी है। रावण एक ब्राह्मण थे, रावण को मारने के बाद भगवान राम ने भी चंद्रशिला नामक स्थान पर तपस्या की है। यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे रावण शिला है, रावण ने भी इस स्थान पे तपस्या की है। 6 महीने जो है यहाँ पे जो है कपाट बंद रहते हैं। तो शीतकालीन समय में जो है यहाँ 6 महीने के लिए जो है भगवान शिव के भगवान तुंगनाथ जी के जो है कपाट बंद होते हैं। यहाँ पे भगवान जिस दिन कपाट बंद होते हैं विशेष पूजा की जाती है और भगवान शिव को यहाँ पे समाधि दी जाती है भगवान। और 6 महीने जो है साल भर जो है मुकुंभ में जो है वहाँ निरंतर पूजाएं चलती, जहाँ पे गद्दी स्थली भगवान तुंगनाथ जी की वहाँ पे निरंतर पूजाएं जो है चलती रहती है। है ना कितनी सुंदर जगह। सोचिए कैसे इतनी ऊंचाई पे इस मंदिर का निर्माण हुआ होगा। इतनी सुंदर जगह पे बने इस भव्य मंदिर पे आके अलग ही शांति मिलती है। इसीलिए तो दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, और जब थक के यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ सर झुका के मानो सारी थकान दूर हो जाती है। तो चलिए पंडित जी द्वारा बताए गए मंदिर दर्शन का क्रम समझते हैं। तो आप जब भी तुंगनाथ जी के मंदिर आते हैं तो सबसे पहले आप जो मेन मंदिर है तुंगनाथ का उसके दर्शन कीजिए। साथ में महानंदा मंदिर है, तो उसके बाद आपको छोटे छोटे पंच केदार के मंदिर देखेंगे। के साथ ही भैरवनाथ जी का मंदिर है। उसके बाद भैरवनाथ जी के जब आप मंदिर के दर्शन कर लेंगे तो आप तुंगनाथ मंदिर के एक परिक्रमा कीजिए, और जब आप परिक्रमा करते करते आखिरी पड़ाव पहुंचेंगे तो आपको भूतनाथ जी का मंदिर दिखेगा।
भूतनाथ मंदिर के दर्शन के बाद ही कहा जाता है कि तुंगनाथ की जो आपकी ये यात्रा है वो संपूर्ण। जब भी आप अगर आप तुंगनाथ की यात्रा करने आ रहे हैं और अगर आपको चंद्रशिला भी जाना है तो आप कोशिश कीजिए कि आप सुबह जल्दी से जल्दी निकलें। जल्दी से मेरा मतलब है कि 2:30 बजे भी लोग निकलते हैं, और अगर 2:30-3 बजे अगर आप निकलते हैं तो आप चंद्रशिला पहुँचे सबसे पहले और वहाँ पे सनराइज़ देखिए, बिकॉज वहाँ का सनराइज़ बहुत मैजेस्टिक होता है। तो सनराइज़ एक बार आपने देख लिया उसके बाद आप नीचे आ सकते हैं, क्योंकि मंदिर थोड़ा लेट खुलता है, उसके बाद आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। वैसे ध्यान रखने वाली एक बात और है, क्योंकि जंगल वाला रास्ता है तो अगर आप एक्सपीरियंस ट्रैकर नहीं हैं और ग्रुप में नहीं हैं तो रात को ट्रैवल ना करें। क्या नाम है इसका? इसका नाम है भैया लाली। ए लाली, ए लाली, लाली गढ़वाली। और ये पीछे वाली बादल, और उसके पीछे वाली चमेली। चमेली टू, चमेली टू। तो बस यही था हमारा तुंगनाथ का सफर, और हम बढ़ चले अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर, केदारनाथ। एपिसोड्स पॉसिबल हो पा रहे हैं हमारे लवली चैनल मेंबर्स की वजह से, सो थैंक यू सो मच गाइस। रेडी है मम्मी? ओके, जब आप तुंगनाथ मंदिर आएंगे तो सबसे पहले आप जो मेन मंदिर है तुंगनाथ का उसके दर्शन कीजिए, उसके साथ में ही जो मंदिर है उसका मैं नाम भूल गया हूँ नंदा तुंगनाथ की, वो सब संपूर्ण हुई दल थप है यहीं से चालू करता हूँ। करोड़ों फंबल थे बट One eternity later. भूतनाथ मंदिर के दर्शन के बाद ही कहा जाता है कि तुंगनाथ की जो आपकी ये यात्रा है वो संपूर्ण है। क्या बढ़िया काम किया मैंने।